The second law is law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, आपके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, अगर ए का मास फिक्स्ड है और बी का मास वेरी करके आप अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, सपोज करिए आपने बनाया ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री, ठीक है, तो मास मास ऑफ बी वन अपॉन मास ऑफ बी टू अपॉन मास ऑफ बी थ्री, दे विल ऑलवेज बी इन अ होल नंबर रेशो, ये हमेशा होल नंबर रेशो होगा, जैसे वन टू थ्री, जरूरी नहीं है वन टू थ्री हो सकता है ये थ्री टू फाइव हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेशो हमेशा होल नंबर होगा। एग्जाम्पल देता हूं, नाइट्रोजन आप ले लें कंबाइन करें ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, अब आप देखिए नाइट्रोजन का मास हर कंपाउंड में जो हमने यहां पर लिया है इसका मास है 28 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का मास 16, 32, 48, 64, 80, तो ये किस रेशो में है, ये किस रेशो में है, 1:2, क्या रेशो आ रही है बेटा आप लोगों के पास, वन इज टू टू इज टू थ्री इज टू फोर इज टू फाइव। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था हमें कि मेटल ऑक्साइड कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ मेटल, सेकंड में मेटल ऑक्साइड कंटेन्स दैट मच अमाउंट ऑफ मेटल, राइट, तो दोनों की रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखो फर्स्ट केस मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 0.318, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.398 माइनस 0.318 0.08, राइट, नाउ सिमिलरली केस टू, पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन 0.716 ठीक है, तो कितना आ गया बेटा ये, ओके, so now what you can see over here that the mass of oxygen is fixed over here, same hai na, so what you will write as the mass of oxygen is same in the two oxides, we will check the ratio of mass of metals, so mass of metal in oxide 1 upon the mass of metal in oxide 2 is equal to 0.618
0.318 divided by 0.636. So this is 1, this is 2. So it is in the ratio of 1:2. Thus it obeys law of multiple proportion.